नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हरिद्वार कुंभ 2021 का ये तीसरा स्नान, बसंत पंचमी का स्नान चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम हर की पौड़ी पर पहुँच चुके हैं और हर की पौड़ी पर सभी यात्री स्नान कर रहे हैं। अच्छे से ये स्नान चल रहा है, तो अभी हम आपको सभी जगह दिखाएंगे हर की पौड़ी की और भी किस प्रकार से स्नान चल रहा है। तो आप भी आए हरिद्वार कुंभ स्नान करने के लिए, तो बहुत सुंदर तरीके से हर की पौड़ी को सजाया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से घाटों पे जो है ये रेलिंग लगाई गई है, तो यात्री सभी अच्छे से स्नान कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये संपन्न हो रहा है कुंभ, और आगे आने वाले समय में शाही स्नान महाशिवरात्रि का होगा, तो काफ़ी वो भव्य रूप से होगा। तो उसका भी हम आपको वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, तो बने रहे। अभी आगे दिखाते हैं हम आपको ये जो बसंत पंचमी का तीसरा स्नान चल रहा है उसके रंग हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये स्नान हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं आपसे फिर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हरिद्वार में कुंभ का ये तीसरा स्नान अच्छे से संपन्न होते हुए, प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएँ सारी अच्छे से की गई है। सुचारू रूप से ये स्नान संपन्न होते हुए यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका सभी तरीके का ध्यान रखा गया प्रशासन द्वारा, और ये कोविड के नियमों का भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ यात्रियों को आने के लिए बोला गया था। तो आप देख सकते हैं यात्री आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, तो सही प्रकार से ये स्नान होते हुए। और अभी आगे देखते हैं जो शाही स्नान होगा शिवरात्रि का वो किस प्रकार से होता है, उसमें भीड़ किस प्रकार से आती है देखेंगे। अभी तो भीड़ दोस्तों उस हिसाब से नहीं है जैसे कुंभ में भीड़ होती थी, क्योंकि इसमें कोविड का असर साफ दिखते हुए जो भी इसमें गाइडलाइन बनाई गई है प्रशासन द्वारा, काफ़ी सख्त गाइडलाइन बनाई गई है, तो यात्री उस हिसाब से थोड़ा कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों जैसा लग रहा था कोविड का समय जब चल रहा था कि कुंभ का क्या होगा, कुंभ किस प्रकार होगा, लेकिन कुंभ सही तरीके से होता हुआ ये भी हम मान सकते हैं कि अच्छे से हो रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं जो शाही स्नान आएंगे वो किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ यात्रीगण हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वह कहाँ से आए हैं और उनको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी है जो कुंभ का ये तीसरा स्नान है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं सर बदायूं से। अच्छा, बदायूं से आए हैं आप, तो यहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी आपको हरिद्वार में जो कुंभ की है? यहाँ पर कुंभ की जो व्यवस्था बनाई गई काफी उचित व्यवस्था है सरकार द्वारा, यहाँ पर जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर तैनात है। अच्छा, तो अभी आपने स्नान किया है? सर अभी स्नान नहीं किया, उसके बाद मनसा देवी भी घूमने जाएंगे। तो मनसा देवी भी घूमने जाएंगे, हरिद्वार में काफी जगह है घूमने के लिए। तो आप पहली बार आए हैं, पहले भी आ रखे हैं? नहीं सर, हम इससे पहले भी आए हैं, पर फिलहाल तो कुंभ में हमारा पहला दिन है। अच्छा, तो कुंभ का स्नान जो है तीसरा स्नान है करने आए हैं, तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि साफ सफाई का काफी ध्यान रख रहे हैं, कोई भी गंदगी चीज रहेंगे यहाँ पर तभी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, आप भी अगर आए यहाँ पे तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई होनी बहुत अच्छी बहुत जरूरी है। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, अभी और अन्य लोगों से आपको मिलवाते हैं कि कैसा उनको कुंभ में लगा है। तो चलिए दोस्तों आप स्नान करें। नमस्कार, बताइए आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और काफी भीड़ भाड़ भी है और काफी सुरक्षा भी अच्छी खासी हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है सर। अच्छा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, प्रशासन द्वारा व्यवस्था कैसी थी? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने स्नान कर लिया है? नहीं अभी नहीं, अभी स्नान करेंगे। अच्छा, आप स्नान करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यात्री लोग खुश हैं यहाँ पे आके स्नान करेंगे अभी। तो ये कुंभ का तीसरा स्नान आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला हरदोई संडीला यूपी से आया हूँ। अच्छा, तो स्नान आपने कर लिया है? जी हाँ कर लिया। तो बताया आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ स्नान का? व्यवस्था तो कुल मिला के बहुत अच्छी रही है, और हर तरीके से महिलाओं के लिए भी व्यवस्था अच्छी है और पुरुषों के लिए भी अच्छी है, बच्चों के लिए भी, और कोई भी असुविधा हमको महसूस नहीं हुई यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ आना हमारा सार्थक रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यात्री सभी खुश हैं यहाँ पे जो भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। आज का स्नान ये कुंभ का तीसरा स्नान आप देख सकते हैं सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो आप तक पहुंचाई गई है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर आगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।